सबको देखा बारी बारी अब जिसकी सरकार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव शुरू होने में बस कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में राजनीतिक दल बेहिसाब वादे करके मतदाताओं को लुभाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की चुनावी सियासत काफी गर्म चल रही है। ममता बनर्जी कहती है कि खेला होवे बीजेपी खाली होवे, तो क्या लगता है कि अब की बार बंगाल में किसकी सरकार? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ आज ईशान त्यागी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस जिस तरीके से उड़ीसा में रैलियां कर रही है, लेकिन बंगाल में ऐसी कोई रैलियां करती नजर नहीं आ रही है। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और आपकी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। तो मैडम, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस बंगाल चुनाव में कहीं दिखी नहीं रही है, क्योंकि कांग्रेस की लीडरशिप वहां पे कमजोर है। आप अगर पिछले 10 साल का या पिछले 15 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें तो कांग्रेस का वोट शेयर कम से कम होता आया हुआ है, और वो जब 10% से घट के अब 5% के आसपास बचा हुआ है, जो पिछले चुनाव की बात है। तो कांग्रेस वहां पे कोई उम्मीद नहीं रख रही है, इसीलिए उसने लेफ्ट के साथ गठबंधन भी किया हुआ है और लेफ्ट का भी वही हाल है। दोनों पार्टियां बिल्कुल भी चुनाव को लेकर सीरियस नहीं है, और जिसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। इसका मैं एक तथ्य आपको देना चाहूंगा कि अगर आप पिछले 10 साल की बात करें तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ के हमारा 4% से बढ़ के 40% के आसपास हो गया है। टीएमसी का वोट शेयर अगर आप देखें मैडम, तो टीएमसी का वोट शेयर उतने का उतना ही है, ऊपर नीचे हुआ है। 39% था, फिर कभी 45% हो गया, और पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में जो देश के चुनाव थे उसमें 43.7% के आसपास है, ऊपर नीचे 1-2% का फर्क आया है टीएमसी में। सबसे ज्यादा जो अगर वोट शेयर कम हुआ है, वो कम हुआ है सीपीएम का। सीपीएम का वोट शेयर 2011 के चुनाव में, जो असेंबली के चुनाव थे वेस्ट बंगाल के, उसमें से उनकी 40 सीटें आई थी 294 में से, और वोट शेयर था 30%। वो वोट शेयर 2019 के चुनाव में, जो 19 में देश के चुनाव में जनरल असेंबली के, जो जनरल लोकसभा के चुनाव हुए हैं हमारे, उसमें घट के 6.3% वोट शेयर रह गया है, और उनका जो उनकी जो सीटें हैं बंगाल में वो 0 सीटें हैं इस बार। 42 सीटों में से, जो 42 लोकसभा की सीटें हैं उसमें से एक भी सीट सीपीएम की नहीं आई है, जिसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। तो दोनों ही पार्टियां, चाहे वो सीपीएम हो और कांग्रेस हो, वो बंगाल चुनाव को लेके सीरियस नहीं है, जो कि एक बहुत चिंता का विषय है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि बंगाल एक महत्वपूर्ण राज्य है जिसको कांग्रेस पार्टी को अपनी पूरी मजबूती के साथ और पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के विरुद्ध। लेकिन जिस तरीके से पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, नंदीग्राम जो कि हॉट सीट बन चुका है, तो ममता सुवेंदु को चुनौती दे पाएंगी, इससे आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, अब दोनों पक्ष और विपक्ष में आपको भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी जिस तरह की राजनीति बंगाल में कर रहे हैं, जिस तरह की ओछी और निचली स्तर की राजनीति बंगाल में कर रहे हैं, बिल्कुल धार्मिक धर्म पे आधारित राजनीति जो बंगाल में दोनों पार्टियां कर रही हैं, उस पे मैं सिर्फ चंद लाइनें आपको बोलना चाहूंगा। हम क्या बनाने चले थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे बेहतर तो वो परिंदे हैं, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो जो धर्म की राजनीति दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, वो बहुत ही चिंता का विषय है बंगाल में, क्योंकि बंगाल में अगर आप पूरे, अब मैं आपको थोड़ा सा फिगर बताना चाहूंगा। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दर बंगाल में 17.5% के आसपास है। पूरे देश में जो बेरोजगारी का दर है वो 23.5% के आसपास है। तो बंगाल में जो बेरोजगारी है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप बाकी स्टेट्स को देखें जैसे पंजाब, छत्तीसगढ़, तो इनमें बेरोजगारी का दर 3-4% के बीच में है। तो पहला मुद्दा होना चाहिए था बेरोजगारी की, कैसे टीएमसी की सरकार और बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो वो कैसे बेरोजगारी खत्म करेंगे और युवाओं को रोजगार देंगे। दूसरी चीज होनी चाहिए थी हेल्थ,
हेल्थ में आप कितने हॉस्पिटल्स बनाएंगे, क्या स्टेट रन पॉलिसीज होंगी हॉस्पिटल्स को लेके, कहां गरीबों को कैसे मदद मिलेगी अस्पतालों में, कैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन का आप रोल आउट करेंगे वेस्ट बंगाल में, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। तीसरी बात होनी चाहिए थी एजुकेशन, एजुकेशन की भी दोनों पार्टियों ने कोई बात नहीं करी। अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, उसमें सिर्फ तीन ही विषय महत्वपूर्ण विषय हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहला है सीए कि सीए का इंप्लीमेंटेशन करेंगे, दूसरा है इन्फिल्ट्रेशन कम करेंगे, और तीसरा है कि जो आरती और पूजा होती है उसके लिए कोर्ट की सहमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तीनों ही विषय मैं आप अगर आप इस पे डिबेट करना चाहें तो मैं तीनों ही विषय पे आपको समझा दूंगा कि कैसे ये तीनों विषय जनता को सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं और धर्म आधारित राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। जो बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया उसमें उन्होंने बोला है कि हर किसी मतलब परिवार में एक लोगों को नौकरी मिलेगी, महिलाओं को आरक्षण देंगे, जो भूमिहीन किसान है उनको हर साल 4,000 रुपए की सहायता देंगे। तो क्या ये जो बीजेपी दावे और वादे कर रही है पूरा कर पाएगी? मैं बेरोजगारी पे आपको एक आंकड़ा दे देना चाहता हूँ कि बेरोजगारी का दर पूरे देश में 23.5% है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ये बेरोजगारी का दर पिछले 45 वर्ष में सबसे ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के राज में। भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन अब 7 साल होने वाले हैं देश में, और बेरोजगारी का दर कम से सबसे ज्यादा हो गया है पिछले 45 वर्षों में। दूसरी चीज, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे एक साल में, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। वो वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को यह ध्यान में रखनी चाहिए थी कि जब वो रोजगार देने की बात कर रहे हैं बंगाल में तो देश में क्यों नहीं दे पा रहे। चलिए देश में भी नहीं, आप अपने राज्यों में तो दे सकते हैं जहां पे आपकी सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी पहुंच जाते हैं उत्तर प्रदेश में, बंगाल में चुनाव की रैलियां करने, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी, जो मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं, तो उत्तर प्रदेश में भी जो बेरोजगारी दर है वो 21% के आसपास है, बंगाल से भी ज्यादा। तो अगर वो उत्तर प्रदेश में कम नहीं कर पा रहे हैं बेरोजगारी, कर्नाटका में कम नहीं कर पा रहे हैं बेरोजगारी, मध्य प्रदेश में कम नहीं कर पा रहे बेरोजगारी, तो वो बंगाल में कैसे बेरोजगारी कम करेंगे? ये वादा भी एक झूठा ही वादा लग रहा है, एक जुमला लग रहा है। आगे जाके वो बोलेंगे कि एक जुमला था, ठीक है। दूसरी बात करी महंगाई की, महंगाई पूरे देश में आपको पता है महंगाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी से नहीं ये छुपा हुआ कोई राज नहीं है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। जिस सिलेंडर का दाम 6 साल पहले 400 रुपए के आसपास था, वो सिलेंडर का दाम आज बढ़ के 900 और 950 रुपए के आसपास पूरे देश में हो गया है। दूसरी चीज, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। पेट्रोल का दाम किसी टाइम में हुआ करता था मैडम 45 से 50 रुपए के आसपास, जो कि बहुत ज्यादा लग रहा था बुरे दिनों में, जब वो बुरे दिन अच्छे दिन का सपना दिखाया था, तो बुरे दिनों में वो 45-50 रुपए बहुत ज्यादा लग रहा था पेट्रोल का दाम। वो पेट्रोल का दाम बढ़ के 90 से 100 रुपए तक होने वाला है, 100 रुपए टच कर जाएगा पेट्रोल का प्राइस। दूसरी तीसरी चीज है, डीजल का प्राइस भी बहुत बढ़ गया है, सेम पेट्रोल और गैस सिलेंडर के मुकाबले डीजल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर इन तीन चीज के दाम बढ़ेंगे तो सीधा सीधा असर लोगों की जिंदगियों पे पड़ेगा, लोगों की जेब खर्च पे पड़ेगा। नौकरियां है नहीं, जेब खर्च आपका बढ़ता जा रहा है, तो कैसे विकास होगा बंगाल का? ये भी बीजेपी को बताना चाहिए था अपने घोषणा पत्र में। लेकिन जिस तरीके से बंगाल चुनाव में बीजेपी धर्म की राजनीति चल रही है, जय श्री राम करती है, लेकिन वही टीएमसी वहां पर गरीबों की बात करती है, वंचितों की बात करती है, तो इन सब चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि टीएमसी भी धर्म की राजनीति पूरी कर रही है। ममता बनर्जी जी ने चंडी पाठ किया स्टेज पर, चंडी पाठ करने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। अगर उन्होंने बंगाल को बेरोजगारी मुक्त किया होता, अच्छी स्वास्थ्य की सेवाएं दी होती, अच्छी पढ़ने की शिक्षा की सेवाएं दी होती, या फिर अच्छी सड़कें बनाई होती, या फिर करप्शन कम किया होता, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है बंगाल में, तो चंडी पाठ करने की ममता बनर्जी को भी जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी तरफ बीजेपी जो जय श्री राम का नारा उठा रही है बंगाल में, तो जय श्री राम, देखिए मैडम, जय श्री राम हर उस हिंदू की और हर उस भारतीय की दिलों में बसने वाली भावना है, और जय श्री राम बोलने का हक बीजेपी को भी है,
तृणमूल कांग्रेस को भी है, चंडी पाठ करने का हक तृणमूल कांग्रेस को भी है, बीजेपी को भी है, और इसमें कोई राजनीति करने वाली बात नहीं है। धर्म से आप कैसे विकास करेंगे, मुझे ये नहीं समझ आता। लेकिन जिस तरीके से असम के विधानसभा चुनाव में सीए यानी नागरिकता कानून को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लेकिन कांग्रेस कहती है कि असम में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसे लागू नहीं होने देंगे। जी देखिए, अगर आप सीए की बात करें तो सीए पर बीजेपी का जो रुख है वो वेस्ट बंगाल में अलग है, असम में अलग है और तमिलनाडु में अलग है उनका रुख। तो पहले तो वो ये डिसाइड कर लें कि वो सीए इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे बंगाल के बारे में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस जो आईएनसी है वो तो बिल्कुल भी पिक्चर में नहीं दिख रही है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, अमित शाह जी ने कहा कि सीए जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में होगा। भाई कैसे करेंगे आप, क्योंकि पहले जो चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं वो 1 या 2 मई को आ रहे हैं, मेरे को डेट याद नहीं है, 1 या 2 मई को रिजल्ट आ रहे हैं। तो बैठक भी, जो पहली कैबिनेट बैठक होगी वो मई में ही होगी, लेकिन जो राज्यसभा की कमेटी है जो रूल्स फ्रेम करेगी सीए को लेके, उसको स्थगित कर दिया गया है 9 जुलाई तक। उसको 9 जुलाई तक का टाइम है रूल्स फ्रेम करने का सीए का। तो ये भी एक झूठा ही वादा है। कैसे कर देंगे जब आप, जब सीए की गाइडलाइंस तो बनी नहीं है पूरे देश में, तो कैसे आप उसको सीए को इंप्लीमेंट कर देंगे बंगाल में? तो ये बात भी अगर बीजेपी के प्रवक्ता होते डिबेट में तो उनसे बिल्कुल पूछी जाती। लेकिन आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा है कि असम में अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो लागू नहीं होने देंगे? नहीं देखिए, वो कांग्रेस की अपनी सोच है, कांग्रेस स्वतंत्र है, जहां वो सीए लागू करना चाहती है वहां करे, जहां नहीं करना चाहती है ना करे, क्योंकि बीजेपी ने सीए को एक धार्मिक इशू बना दिया है कि मुसलमानों को हम उठा के बाहर फेंक देंगे। देखिए, धर्म से आप विकास नहीं कर सकते। मैं आपको जितनी बार बोलेंगे मैं उतनी बार रिपीट करके बता दूंगा, धार्मिक राजनीति देश को पीछे लेके जाएगी, देश को आगे नहीं लेके जाएगी। धार्मिक राजनीति करके आप युवाओं को भ्रमित कर सकते हैं, उनको नौकरियां नहीं दे सकते, उनको अच्छे स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं दे सकते, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। देखिए, युवा क्या चाहता है, युवा चाहता है कि अच्छी नौकरी हो, ठीक है, अच्छा मकान हो, अच्छी बच्चों को उसके अच्छे शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य की सेवाएं मिले, 4 चीजें युवा चाहता है। युवा ये नहीं चाहता कि यहां मंदिर बने, यहां मस्जिद बने, रोज लड़ाई हो, ये युवा बिल्कुल नहीं चाहता है। तो कृपया युवाओं को भड़काएं ना कोई सी भी पार्टी, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, या चाहे वो लेफ्ट हो। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जब बीजेपी टिकट को लेकर बंटवारा किया जा रहा था, बीजेपी कार्यकर्ताओं में तोड़फोड़ हुई, जिस तरीके से मनमुटाव चल रहा है, वहीं उत्तर बंगाल के मोदाबाड़ी में भी कांग्रेस कार्यालय में उनके समर्थकों ने भी तोड़फोड़ की, मतलब जिस तरीके से टिकट बंटवारे को लेकर उनके ही समर्थकों में मनमुटाव चल रहा है, इन सबको आप किस नजरिए से देखिए? देखिए, ये बहुत ही एक अनऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स करी जा रही है वेस्ट बंगाल में। इसके मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। पहला उदाहरण ये है कि जितने विगत 2 से 3 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई है, वो बहुत चिंता का विषय है कि बंगाल जो एक ऐसा राज्य था जिसने बहुत बड़े बड़े आपको नॉवलिस्ट दिए, जिसने आपको बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट दिए, वहां ऐसी राजनीति करी जा रही है जो एक हेट की राजनीति है, घृणा की राजनीति है। जो लोगों की मृत्यु हुई है वो बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि देखिए जब आप इस तरह की राजनीति करते हैं तो नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता, जो लोग मारे जाते हैं उनके परिवार नष्ट हो जाते हैं। तो आपके जो कार्यकर्ता मारे गए हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या तृणमूल कांग्रेस के हों, वो बहुत ही गलत है दोनों पार्टियों की तरफ से। दूसरा, मैं आपको इसका उदाहरण दे देना चाहता हूं कि देखिए, जब आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी जाते हैं तो आप अपनी विचारधारा एक दिन में बदल रहे हैं। पहली बात तो ये, विचारधारा एक दिन में नहीं बदली जाती। तो जो वर्कर्स आपके लिए पिछले 10 साल से काम कर रहे थे, जो कार्यकर्ता बिल्कुल सड़कों पे आपके लिए 10 साल से काम कर रहे थे, एक एक वोट इकट्ठा कर रहे थे, अगर आप एक बाहर से इंपोर्ट करके लीडर लेकर आ जाएंगे तो ये तो जायज सी बात है कि वर्कर्स खुश नहीं रहेंगे और वो तोड़फोड़ करेंगे और लड़ाई करेंगे। जिन लोगों ने 10 साल मेहनत करी,
टिकट लेने के लिए, जिन लोगों ने धरातल पे काम किया टिकट लेने के लिए, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के हों, और उनको टिकट नहीं मिला और एक बाहरी नेता को टिकट मिल गया, तो ये तो जायज सी बात है कि आप मेहनत करेंगे आप और फल ले जाएगा कोई और। जी, तो जिस तरीके से बंगाल की राजनीति चल रही है, तो आपको क्या लग रहा है वहां पे किसकी सरकार बनेगी? क्योंकि जिस तरीके से उसमें टीएमसी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। जी देखिए, अगर आप अभी की सिचुएशन की बात करें तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि टीएमसी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, और ज्यादा नहीं लेकिन 10 से 15 सीट ज्यादा मिलेंगी उनको बहुमत से। लेकिन बीजेपी के लिए ये एक बड़ा गेन होगा इस चुनाव में। टीएमसी को ये कोशिश करनी चाहिए कि उनकी बहुमत से बहुत ज्यादा सीट रहे, क्योंकि बीजेपी एक तरह से डिसमेंटलिंग एक्सपर्ट बन गई है स्टेट्स में। जैसे आप देखें कर्नाटका में क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार को हटा के बीजेपी की सरकार बन गई, मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार हटा के बीजेपी की सरकार बन गई, सेम चीज पुडुचेरी में हुई। तो टीएमसी को कोशिश करनी चाहिए कि उनकी ज्यादा से ज्यादा सीटें आए। अगर नहीं आती हैं और अगर वो 10-15 सीटों के मार्जिन से ही ऊपर रहते हैं बहुमत से, तो बीजेपी यकीनन मुझे लगता है साल भर के अंदर अंदर वहां पे भी अपनी सरकार बना लेगी। तो आपने सुना कि कैसे चुनावी सियासत को लेकर ईशान त्यागी ने अपना पक्ष रखा, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।